हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की, जो बीएड का एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं बल्कि आपका बीएड का जो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है। काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि ये होगा या नहीं होगा, इस समय कैंसिल होगा, अभी इसकी चीज वार्तालाप या चर्चा नहीं चल रही, तो वो सारी जो है कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगी। प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, कैसे आपका किस कितना समय मिलेगा, तो सारी चीज़ें इसमें बात करने वाले। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से कवर कर रहा हूँ। और आपने इन पिछली जो वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में जिससे भी संबंधित हैं आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो को बनाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी भी क्षेत्र में कोई फॉर्म से रिलेटेड हो कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है जिसके अंतर्गत आपका ये सारी चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं। तो नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, 23 अक्टूबर को यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। जो नोटिफिकेशन यहाँ पर 23 अक्टूबर को यहाँ पर बताई गई है, तो 23 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है। इसमें कार्यालय ज्ञापन में आपको बताया गया, इस महाविश्वविद्यालय संबंधित बीएड पाठ्यक्रम में संचालित समस्त महाविद्यालयों के सत्र 2020-21 की बीएड प्रथम सेमेस्टर की संस्थागत भूतपूर्व एवं बैक पेपर परीक्षाएं कुल सचिव के पत्र संख्या प्रोसारी कुल से इतने के अनुसार 13 अक्टूबर 2021 द्वारा दिनांक 27 और 28 अक्टूबर को 2021 को संपन्न कराए हुए निर्धारित की गई है। यानी कि आपकी जो परीक्षाएं हों 27 और 28 अक्टूबर को होंगी। आप जो है बीएड के भूतपूर्व हों, बैक पेपर हों या संस्थागत हों, सभी पेपर परीक्षाएं होनी है। तो बताया गया कि 27 और 28 अक्टूबर 2021 को संपन्न होने वाली बीएड प्रथम सेमेस्टर की 2021 के हेतु माननीय कुलपित महोदय के अनुमोदन उपरांत परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। तो चारों डिस्ट्रिक्टों में जो भी है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। सूची तथा परीक्षा समय सारणी के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही संबंधित महाविद्यालय संरोध के संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों अपने महाविद्यालय के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं संपन्न कराने हेतु अपने स्तर से परीक्षार्थियों को सूचित करने का कष्ट तथा सभी परीक्षा केंद्र के अध्यक्षों के अनुरोध की वो अपने केंद्र पर परीक्षाएं सुचितापूर्ण पारदर्शिता एवं नकल विहीन कराए जाने का कष्ट करें। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बताया गया निर्धारित किए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों को निर्देशित किया जाता है शासन द्वारा जितने भी आपकी जहाँ 3 जनवरी 2020 को लिखित व्यंग्यों एवं कोविड-19 के ध्यान देते हुए परीक्षार्थी किसी प्रकार की अनियमितता का जो है सामना और अनियमितता इसमें ना बरती जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही हैं। अपने स्तर पर यहाँ पर जो है अनुचित प्रयोग साधन कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो आपका अगर ये कार्यक्रम है, आप बीएड में किसी भी से संबंधित है यानी भूतपूर्व हैं या आप बैक पेपर छात्र हैं, तो आपके जो है पेपर होने वाला है, आप रेडी हो जाइए 27 और 28 तारीख से। इसका जो टाइम टेबल, चलिए तो यहाँ टाइम टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ, और चारों डिस्ट्रिक्टों में कहाँ कहाँ पर है ये भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एक्सेस स्टूडेंट बैक पेपर एग्जामिनेशन टाइम टेबल अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर देखिए 27 और 28 तारीख का जो आपका फर्स्ट मीटिंग का है 11 से लेकर 12:30 बजे। अच्छा है, इसमें बताना, मैं ये शायद आप लोगों को यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, चलिए जस्ट इसी के नीचे है, जो मैं समझा कि छूट तो नहीं गई, नहीं तो शुरू में ही आपने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ पर दिखाई ना दे। तो यहाँ जो फर्स्ट मीटिंग में आपका जो पेपर है आपका, जैसे 27/10/2021 को आपका फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी एजुकेशन, 28 को स्कूल मैनेजमेंट एंड जो हाइजेनिक, और सेकंड में है आपका जो है सेकंड फिजिकल जो है प्रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन और वैल्यू एंड पीस एजुकेशन और इंक्लूडिंग एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन आपका है। ये हो सकता है वाइवा हो, IV4 जो है फर्स्ट वन फर्स्ट ए और बी जो भी है आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर नीचे दिया गया हुआ है, आप यहाँ पर जो है एक बार देखिए कि यहाँ पर कहा है कि समस्त पत्र प्रश्न पत्र में पूर्व में प्रचलित प्रारूप पर निर्धारित होंगे, किंतु समयावधि आधी होगी, यानी आधे घंटे आपका 1.5 घंटे का ही पेपर होगा, एवं उत्तर दिए जाने के प्रश्नों की संख्या आधी होगी, अर्थात प्रश्न खंड से 8 प्रश्न के नहीं 4 प्रश्नों का जो आपका पेपर था पहले के जैसा आएगा, लेकिन उसमें सारी चीज़ें को कम कर दिया, उत्तर देने होंगे तथा प्रश्न 6 अंक का होगा, इसमें कुल 4 प्रश्नों में 24 अंक करने होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में 4 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर ही देना है और 14 अंक होगा। तृतीय खंड में इसके लिए 4 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर देना है जो 32 अंकों का होगा। 3 खंडों के लिए अधिकतम 1.5 घंटा तथा कुल पूर्णांक जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है 70 अंकों का ये पूर्णांक होगा। तो यहाँ आप ये जो चीज़ें हैं इसको जो है
ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि किन चीजों को हमें कवर करना है। आपको जो खंड आपको अच्छा हो और जिसमें आपको नंबर अधिक गेन करना हो, वो खंड आप जो है चूज करिए, उसी के द्वारा जो है आप अपना तैयारी को ध्यान में रखते हुए करिए। चूज करने के लिए अगर आपको चाहिए किस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको तैयारी करना है, अगर आपको है जानकारी चाहिए तो मैं इस वीडियो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको बना के वहाँ पर दे सकता हूँ, किस तरह से आपको तैयारी करने से फायदा मिलेगा। तो कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा। बाकी और जो सेंटर की लिस्ट है आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखने का तरीका आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए सेंटर कोड का नाम है, ये नोडल एग्जामिनेशन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट जो कोड है आपका, फिर उसके बाद नेम है, और यहाँ रेगुलर स्टूडेंट है, बैक पेपर टोटल और ECC वाइज स्टूडेंट काउंट जो भी हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कोर्स ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर जो है आपका ये देखिए प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आपके इतने सेंटर हैं। अब इन सेंटरों में आप अपना सेंटर लिस्ट जरूर एक बार देख लीजिए कहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पर ये सेंटर लिस्ट जो है आपका 2020-21, तो ये प्रयागराज में ही आपका है। उसके बाद फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखिए अगर आप फतेहपुर के किसी भी विश्वविद्यालय में हैं और जो राज्य यूनिवर्सिटी से ही संबंधित है, तो आप अपने सेंटरों को यहाँ पर पूरी तरह से आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आपके इन सेंटरों में है आपका जो सेंटर है यहाँ पर है, और जो सेंटर कोड है यहाँ पर है, तो इनको फिर देख लीजिए कि आप जो है किस यूनिवर्सिटी से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उस यूनिवर्सिटी में इतना ही है जो कौशाम्बी में। उसके बाद आपका आता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, तो आपका बजरंग PG कॉलेज कुंडा प्रतापगढ़ में है। नेम ऑफ सेंटर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जो अवधेश प्रताप सिंह, मोबाइल नंबर भी, मतलब कि ये उन यहाँ से जो है सारी चीज़ें कभी कवर होंगी, और इन जो है इतने सेंटरों में जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सेंटरों में जो है एग्ज़ाम होने हैं, यानी प्रतापगढ़ में काफ़ी लंबी लिस्ट है। आपको प्रतापगढ़ के जितने कॉलेज हैं तो काफ़ी कॉलेज हैं, तो यहाँ पर जो टोटल है 12,435, 129, 12,566, तो ये पूरा जो है PDF है, इस PDF का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वेबसाइट पर भी जाके आप इसको जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा आपको कि एग्जाम सेंटर लिस्ट टाइम टेबल BEd 2021 फर्स्ट सेमेस्टर का 20-21 का, तो आप यहाँ से जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानकारी इतनी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई भी क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स आपके लिए सुरक्षित है, आप वहाँ अपना जो है बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।